नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईगल पे घर पे हार्डवेयर कैसे बनाया जाता है। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले लगेगा सर्किट डायग्राम, जो भी हार्डवेयर आप जिस चीज़ का भी बनाना चाहते हैं। तो मेरे पास जो है वो आरएफ का भी, ये जो सीरीज़ आने वाली है, आगे जो भी सीरीज़ आने वाली है, ये सब अभी एक सिंपल सीरीज़ रहेगी। वो सीरीज़ रहेगी आरएफ मॉड्यूल पे। तो इसका ईगल पे कैसे हार्डवेयर बनाया जाता है, अभी जो ये भी प्रोसेस बताऊंगा, ये आप किसी भी हार्डवेयर के साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हार्डवेयर लिया हुआ है, ये आरएफ का है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक है। तो अभी शुरुआत में आपने ये सर्किट तो अपने पास है, तो उसके बाद में और क्या लगने वाला है, ईगल सॉफ्टवेयर। तो ईगल सॉफ्टवेयर के लिए आपको सिर्फ गूगल पे ईगल सर्च करना है। ईगल सर्च करने के बाद में आपको ऑटोडेस्क पे जाइए। ऑटोडेस्क पे जाके यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड्स में जाना है। फ्री डाउनलोड्स में यहाँ पे मेरा तो विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास मैक है तो मैक से कीजिए, और लिनक्स है तो लिनक्स से कीजिए। मैं विंडोज़ से करूँगा। ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, 119 MB का डाउनलोड है। तो इसको डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तब तक मैं एक बात बताता हूँ कि अगर जैसे कि ईगल है, वैसे ही दूसरे भी सॉफ्टवेयर से, अभी ईगल तो पेड वर्जन है, आपको ये ख़रीदना पड़ेगा अगर फुल वर्जन लेना है। ये है तो ये अभी जो डाउनलोड कर रहे हैं हम, तो सिर्फ फ्री वर्जन ही है, तो मतलब स्टूडेंट वर्जन है। इसको शुरुआती में शुरुआत में स्टूडेंट वर्जन बोल के इसको देते थे, अभी डायरेक्टली डाउनलोड हो रहा है। तो इसके बाद में अभी जो ये भी ये तो सिर्फ ईगल बेसिक रहेगा। इसके बाद में जो भी वीडियोस आएंगे वो कभी नए सॉफ्टवेयर पे रहेंगे, ये भी रहेगा, ईगल पे भी रहेंगे और दूसरे भी यूज़ करूँगा मैं, जैसे कि कीकैड है, कीकैड पे हम यूज़ करेंगे। कीकैड भी फ्री सोर्स है, वहाँ पे आप फ्री में पीसी बना सकते हैं, कमर्शियल पीसी बना सकते हैं। अभी ये ईगल पेड है, इसलिए आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको बहुत हाई लेवल हाई एंड पीसी बनानी है तो आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। अगर सिर्फ फ्री में यूज़ करना है मतलब, तो फ्री में भी इसका वर्जन है ये वाला, ये भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते। तो डाउनलोड होने के बाद में मैं आपको मिलता हूँ। अभी हमारा ईगल डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप उस फोल्डर में जाइए और उसको ओपन कीजिए, वो एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। इसको इंस्टॉल करना है आपको। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये प्रोसेस आप स्किप कर सकते, आगे जाके वीडियो कंप्लीट कर सकते। यहाँ पे एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे कीजिए, नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप पे कीजिए, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये वर्जन 9.20 वर्जन है, तो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हमारा ईगल इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, रिसेंट एडेड में विंडोज़ में दिखेगा ये ईगल। इस पर आप जब क्लिक करोगे तब खुल जाएगा ईगल, एक टाइम लगेगा खुलने को। जैसे ही खुल जाएगा आप देखोगे यहाँ पे भी मेरा अकाउंट दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब ये सबसे पहले खुलेगा तब आपको ये साइन इन बताएगा, और आपके पास अगर इसका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप कीजिए, उसके बाद में सिंपल उसका आईडी और पासवर्ड डालिए आपका, और ये साइन इन हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगने वाला है सर्किट डायग्राम अपने पास है। उसके बाद में न्यू फाइल्स में जाइए, स्कीमेटिक्स में आपको इसको सेव करना है। इसको सेव करेंगे ई में, मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है ईगल नाम का, ये देखिए ईगल। उसके बाद में RFTX भी, ये RFTX का बनाएंगे, ट्रांसमीटर का, इसलिए ये फोल्डर।
ये सेव हो गया, यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, यहाँ पे सेव हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, हम सर्किट डायग्राम देख के कंपोनेंट देखेंगे। अभी ट्रांसमीटर में हमें कनेक्ट करना है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रांसमीटर में, ये ट्रांसमीटर मतलब ऐसा दिखेगा, ये ट्रांसमीटर जो है, यहाँ मेरे पास उसका डायग्राम है, देखिए ये वाला ये ट्रांसमीटर है, जैसे कि यहाँ पे चार पिन दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी ये सर्किट डायग्राम में यहाँ पे भी फोर पिन्स है, ठीक है। जैसे कि ये फोर पिन्स है, एंटीना, ये एंटीना का सिंबल देखिए, ये एंटीना, उसके बाद में VCC है, ये 5 वोल्ट का गया ऊपर, उसके बाद में डेटा पिन है, ये डेटा पिन 2 नंबर और एक ग्राउंड रहेगी। तो हमें क्या लगने वाला है, फोर पिन्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो पिन्स है, ये पिन में डायरेक्टली PCB में सोल्डरिंग नहीं करने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं इसकी जगह पे मैं फीमेल कनेक्टर लगाने वाला हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ मुझे इसको प्लग करना है, ठीक है। तो वैसे मैं उसको कनेक्ट करने वाला हूँ, तो अभी फीमेल कनेक्ट करने वाला हूँ। वैसे ही जो ST12E इनकोडर IC और ये डिकोडर IC है, तो इनकोडर डिकोडर IC के लिए मैं डायरेक्टली PCB पे तो डायरेक्टली IC सोल्डरिंग नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए इसका IC बेस लगाऊंगा। 18 पिन का ये IC है, तो 18 पिन का IC बेस लगाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्विचेस है, देखिए ये D0 टू D3 तक ये स्विचेस है, 4 स्विचेस, तो 4 स्विचेस तक ये तो टू पिन स्विच है, मेरे पास 2 पिन स्विच अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसकी जगह 4 पिन पुश स्विच यूज़ करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे एक रजिस्टर है और VCC और ग्राउंड के लिए एक कनेक्टर यूज़ करूँगा, वो ग्रीन कलर का कनेक्टर है, वो आपको देखना पड़ेगा आपको कैसे यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से यूज़ करिए जो आपको यूज़ करना है वो। तो ईगल में वापस आने के अब ईगल में आएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम IC लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट करने के लिए अगर यहाँ पे जाएंगे तो ऐड पार्ट दिखेगा। ऐड पार्ट में क्लिक करने के बाद में आपको एक लाइब्रेरी खुलेगी, अभी लाइब्रेरी खुलने को टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लाइब्रेरी खुलती है तब टाइम ही लगता है। तो अभी लाइब्रेरी खुल गई है, तो लाइब्रेरी में देखिए हमें सर्च करना है, सर्च मतलब आप सिर्फ यहाँ पे पैकेज सर्च करना है, IC पैकेजेस। अब जब यहाँ पे क्लिक करो और आई दबा दो, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली आई पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आई पैकेजेस में हमको कितना पैकेज कौन सा चाहिए, 18 पिन का, ये देखिए DL18। अभी ये देखेंगे 16 है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखेगा ये है इसका और डायग्राम और ये है उसका फुटप्रिंट्स। अगर मैं 18D पे इसको खोलूँगा, तो ये एरो है, इसको खोलने के बाद में यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे है 18 पिन्स का IC, उसके बाद में ये उसका IC बेस, ठीक है, इसके फुटप्रिंट देखेंगे ये क्या है वो। तो उसके बाद में इस पर डबल क्लिक करूँगा, जैसे मैं मेरे डेस्क पे आऊँगा यहाँ पे मुझे मेरा IC दिखना लगेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करने के बाद में IC प्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या लगने वाला है, एक रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, उसके बाद में मेरे पास 4 पिन्स का स्विच लगाना है, उसके बाद में ये 4 पिन्स का फीमेल कनेक्टर, और उसके बाद में DC कनेक्शन, जो भी अपने बैटरी से लेना है हमें वो कनेक्ट करने के लिए DC कनेक्टर लगाना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे मिलेगा मैं बताता हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लेंगे, स्विच लेंगे, तो स्विच के लिए बटन पे देखना है, बटन देखिए कहाँ पे है, या स्विच देखिए, अगर स्विच भी देखे स्विच में भी रहेगा, स्विच देखेंगे, स्विच ये देखिए स्विच में जाने के बाद में हमें देखना पड़ेगा हमें कौन सा स्विच चाहिए, ठीक है। तो स्विच ओमरॉन भी, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे भी जो भी दिखेंगे आपको, बहुत सारे टाइप के स्विचेस आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्विचेस है, तो यहाँ पे देखिए स्लाइड स्विच है, उसके बाद में ये टॉगल स्विचेस है। वैसे हमें कौन सा पुश स्विच चाहिए, तो पुश स्विच देखने के लिए देखिए कहाँ पे मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा हमें कहाँ पे है ये, ओके ओमरॉन स्विचेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे
आपने देखा होगा कभी ये स्विच देखा होगा, 4 पिन स्विच का होगा, रिसेट स्विच रहता है ये कभी कभी। तो ये ओमरॉन स्विच का फर्स्ट स्विच हमें सेलेक्ट करना है, और भी देखेंगे कुछ मिला तो नया, ठीक कुछ नहीं, हमें तो यही चाहिए। तो ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कितने स्विचेस है, 4 स्विचेज, 1 2 3 4, 4 स्विचेस हमें मिल गए। उसके बाद में आपको फिर से, अगर आपको फिर से लाइब्रेरी में जाना तो एस्केप कीजिए, एस्केप, एस्केप के बाद में ऑटोमेटिकली फिर से लाइब्रेरी खुल जाएगी। उसके बाद में हमें और क्या चाहिए, 4 स्विचेस हो गए, एक एलईडी चाहिए जो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मगर हमें पावर है नहीं इसमें, सर्किट में पावर है कि नहीं ये देखने के लिए भी एलईडी लगेगा। तो एलईडी सर्किट में हमें एक रजिस्टर लगेगा और एक एलईडी लगेगा। अगर एलईडी सर्च करना है, सिर्फ यहाँ पे कहीं भी क्लिक कीजिए, किसी भी लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए और एल दबाइए, जैसे एल दबाइए एल लिस्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एलईडी दिखेगा। तो एलईडी में हमें एलईडी, सिर्फ प्योर एलईडी देखना है। तो यहाँ पे देखिए फुटप्रिंट देखनी है आपने, ये देखिए एएसएमडी है, इसका सिंबल है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे नए नए एलईडी दिखेंगे, तो हमारे हिसाब से ये एलईडी ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है एलईडी का, इसका सिंबल और ये फुटप्रिंट, इसको ओके कीजिए और एक एलईडी लीजिए। उसके बाद में हमें 2 रजिस्टर्स, एक एलईडी का रजिस्टर और हमारा वो 750 के का रजिस्टर लगने वाला है। तो अब रजिस्टर चाहिए, वैसे ही किसी भी इस पर क्लिक कीजिए और आर पे आर दबाइए। आर दबाने के बाद में आपको रजिस्टर का यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, रजिस्टर्स देखिए कहाँ पे मिलता है, ये रजिस्टर बैंक से देखिए, यहाँ पे पावर रजिस्टर से, ये बड़े बड़े रजिस्टर से, ये नहीं चाहिए हमें। रजिस्टर्स में देखेंगे कहाँ पे है, ये रजिस्टर बैंक से पूरे सिलिकॉन, ये नए लाइब्रेरीज है इसलिए कुछ नया दिख रहा है। रिले नहीं, रिले अगर आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, रजिस्टर्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, रजिस्टर्स या रजिस्टर सर्च करेंगे, रजिस्टर सर्च करने के बाद अभी देखेंगे यहाँ पे 2-3 टाइप के रजिस्टर सारे। अभी ये तो डमी सिंबल है, उसके बाद में ईगल इट्स स्पाइस आएगा, इट्स स्पाइस में यहाँ पे देखिए, इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स मिलेंगे। अभी हमें जो रजिस्टर चाहिए ये इसी यहीं पे है, अभी देखिए ये रजिस्टर है, सिंपल रजिस्टर, आपने रजिस्टर देखा होगा, तो ये रजिस्टर है, तो हमें ये रजिस्टर ले लेंगे, थोड़ा बड़ा दिख रहा है और इसमें बराबर फिट हो जाएगा। तो इसको लेने के बाद हम एक और दूसरा लेना है यहाँ पे 750, ये हो गया। उसके बाद में फिर से एस्केप दबा दीजिए, एस्केप दबाने के बाद अगर आपको जैसे ऐसे दिख रहा है तो आपको ये सिर्फ क्लीन करना है और एंटर करना है, तो फिर से पूरा का पूरा जैसे कि वैसे आ जाएगा। तो फिर से आपने क्या हमें यूज़ करना है, फीमेल, तो फीमेल के लिए हम कॉन में जाएंगे, कनेक्टर है तो कॉन में देखिए, कोई एल एस टी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है एल एस टी बी, तो एल एस टी में देखिए कि यहाँ पे अलग कुछ दिख रहा है, तो हमें यहाँ से 4th का लेना है, ठीक है। तो ये 2x2 का 4th का यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो एल एस टी बी 3-4 यहाँ पे मिल रहा है 4 का। तो हमें एंटीना भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 का करेंगे, क्योंकि एंटीना यहाँ पे सोल्डर होगा, इसका कनेक्शन यहाँ पे रहेगा और यहाँ से फिर से हम एंटीना सोल्डर कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 का ले लेते हैं, इसको राइट क्लिक करने के बाद ये रोटेट होता है, कोई भी कंपोनेंट अगर सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करते हो तो रोटेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फीमेल कनेक्शन, मतलब ये कनेक्टर हो गया। उसके बाद में एस्केप दबा दीजिए फिर से। हमें और एक चीज़ चाहिए, वो है वो कनेक्टर, डीसी कनेक्टर 2 पिन वाला। तो उसमें भी हम कहाँ पे लेना है, सी पर कनेक्टर पे जाइए, उसके बाद में वैगो में देखिए, कॉन वैगो में कहाँ मिलता है, कॉन वैगो सेकंड वाला कॉन वैगो खुली है, यहाँ पे देखिएगा आपको ये 4 वाला है, हमें क्या करना है 2 वाला चाहिए, ये वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कहीं पर भी हम डीसी कनेक्टर दोनों के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रू कनेक्टर रहता है, यहाँ पे स्क्रू रहता है ऊपर,
तो उस स्क्रू से हम कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 9 होल के बैटरी का जो सॉकेट आता है वो सॉकेट भी यहाँ पे फिट हो जाएगा, मतलब वायर सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्क्रू से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ओके कीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक बार रोटेट कीजिए, हमें जैसे चाहिए वैसे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो अभी स्किप करने, अभी हमारा पूरा हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा सर्किट का रेफरेंस ले लेंगे, हमारा सर्किट यहाँ पे है। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पहले रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, या पहले हम VCC और ग्राउंड निकालेंगे। अभी देखेंगे IC का VCC और ग्राउंड कहाँ पे है। तो 18 नंबर का जो है VCC है और 9 नंबर का जो है ग्राउंड है। ठीक है, तो पहले हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हमारा ऊपर का हम करेंगे VCC और नीचे का हम करेंगे ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए नेट, या यहाँ पे बहुत सारे और दूसरे भी है, तो यहाँ पे नेट हमें यूज़ करना है। तो नेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे सर्कल, ग्रीन सर्कल दिखेगा नोड पे, यहाँ पे कनेक्ट करके हमें 18 नंबर को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे जाओगे तो 18 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमें 9 नंबर को कनेक्ट करना है। तो हमें अभी हमारा VCC और ग्राउंड कनेक्ट हो चुका है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे पावर आ चुकी है, तो फिर से अगर आपको कंपोनेंट कोई मूव करना है तो यहाँ पे मूव है, मूव पे क्लिक कीजिए और कंपोनेंट मूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ, उसको मैं राइट क्लिक करके रोटेट करके यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये LED यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ये वाला यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। फिर बाद में अभी ये सर्किट हो गया कम्प्लीट। तो यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करूँगा, तो वैल्यू में जाके यहाँ पे 330R का रजिस्टर डालने वाला हूँ। LED तो इसमें वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं, LED ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर है 750 के का, 16 और 15 के बीच में कनेक्ट करना है। तो वो करेक्ट कनेक्ट कर लेंगे 16 और 15 के बीच में, वो तो ऑलरेडी प्लेस हुआ है, सिर्फ आपको कनेक्ट करना है, ये हो गया 15 और 16 के बीच में। उसके बाद में हमें रेफरेंस के लिए फिर से देखना पड़ेगा, जो 14 नंबर्स की पिन है, 14 नंबर की पिन, उसको ग्राउंड करना है। अभी यहाँ पे तो ओपन दिखा रहा है, मगर यहाँ पे ओपन नहीं देना, उसको ग्राउंड करना है। ये रेफरेंस ने मैंने जो भी हार्डवेयर में लिया हुआ है इसका करके दिखा हुआ है मैंने 0PCB पे, तो इसको ग्राउंड करना है तभी इसमें कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो इसलिए 14 को हम ग्राउंड करेंगे। तो ग्राउंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपको बताऊँगा मैं आगे क्यों कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो उसके बाद में ये 14 नंबर तो ग्राउंड है, तो हमें क्या करना है, ये स्विचे जितने भी हैं हर स्विच का एक साइड पूरा शॉर्ट करना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे कनेक्ट करना है, मतलब पूरे स्विचेस का वन साइड जो है ना वो पूरा शॉर्ट कर देना है, सब का सब, जैसे कि इस तरह। ये पूरा शॉर्ट करने के बाद में ये कनेक्ट करना है हमें ग्राउंड को, क्योंकि हमें हर डेटा पिन को स्विच थ्रू ग्राउंड देना है, अगर स्विच दबाया तो डेटा पिन को ग्राउंड जाना चाहिए, तो मैंने ग्राउंड थ्रू किया है। तो अब फिर से बाद में जो बचा हुआ है उसको हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये 4-पिन स्विच है, तो 4-पिन स्विच को हमें ऐसे कनेक्ट करना है। अभी जो ये बचा हुआ है, ये सेकंड जो लाइन है, वो सेकंड लाइन हम क्या करेंगे, 13 नंबर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये दूसरा स्विच जो कनेक्ट है, हम 12 नंबर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये वाला जो स्विच है, ये हम 11 को कनेक्ट करेंगे, और ये वाला 10 को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्विच का कनेक्शन हो गया, ये रजिस्टर का कनेक्शन हो गया। बचा हुआ है ये एड्रेस पिन्स का, मैंने एड्रेस पिन्स का आपको बताया। तो एड्रेस पिन में कैसा रहता है कि हमें एड्रेस देना होता है डिकोडर और एनकोडर आईसी को। तो यहाँ पे देखो, डिकोडर आईसी में ये एड्रेस पिन्स है, वैसे ही ये एनकोडर आईसी है, तो एनकोडर आईसी में ये एड्रेस पिन्स है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस 00 देने वाला हूँ दोनों को भी। तो यहाँ पे मैं 0 मतलब मैं पूरा ग्राउंड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे पूरा ग्राउंड करूँगा, 1 2 ये वाला सबके सब ग्राउंड करने वाला हूँ। तो 14 पिन वैसे ही ग्राउंड होने वाली है,
तो यहीं से ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है, तो 14 मिनट को ऐसे ही ग्राउंड मिल जाएगा। अभी हमारा यहाँ का कनेक्शन हो गया, हमें करना है अभी हमारा मॉड्यूल का कनेक्शन। तो मॉड्यूल का कनेक्शन करने के लिए हमें मॉड्यूल सामने रखना पड़ेगा। तो ये रहा मॉड्यूल हमारा। तो इस मॉड्यूल में ये एंटीना है, तो एक साइड का हम एंटीना शॉर्ट कर देते हैं ये वाला। तो यहाँ से शॉर्ट मतलब क्या होगा, एंटीना जो पिन है यहाँ पे कनेक्ट होगी तो यहाँ पे भी ये कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से हम कोई भी कॉपर वायर निकाल के उसका एंटीना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंटीना 2 का बनाया। उसके बाद में VCC है, तो यहाँ पे VCC देंगे हम यहाँ पे। तो VCC 18 नंबर को भी VCC है, तो यहाँ पे डायरेक्टली VCC दे सकते हैं, तो यहाँ पे VCC देंगे। उसके बाद में क्या है, डेटा पिन है। तो डेटा पिन यहाँ पे 17 नंबर की जो पिन है, देखो IC की, ये डेटा पिन है, तो उसको मैं डेटा पिन को कनेक्ट कर दूंगा, डेटा पिन को हो गए। उसके बाद में ये बचा हुआ है, ये है ग्राउंड, तो उसको ग्राउंड कर दूंगा। तो ये ग्राउंड यहाँ से ग्राउंड किया या यहाँ से किया, कहीं से कर दो, ग्राउंड ग्राउंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम ट्रांसमीटर का। ऐसे ही हमें ऐसे ही हम इसका रिसीवर का बना लेंगे सेम ऐसे इसी तरह। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको सेव करना है, कंट्रोल एस या करिए या फाइल में जाके सेव करें, बस दोनों से एक, दोनों में एक भी कर दिया तो चलेगा। अभी यहाँ पे मैं इसके वैल्यू चेंज करना है मुझे, तो इसको मैं मोड पे जाऊँगा, इसके राइट क्लिक करके वैल्यू पे मेरे रेफरेंस के लिए 750K कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 750 किलो ओम हो गया और यहाँ पे 330R हो गया। अभी ये सब होने के बाद में हमें जो यहाँ पे देखिए, आप ऊपर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्विच टू बोर्ड यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्टेड क्रिएट फॉर्म स्कीमेटिक, यस यू यस, हमें सिर्फ यस करना है। इसके बाद ये जाएगा बोर्ड पे। आप जब बोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे ये सब हमारे फुटप्रिंट्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्कीमेटिक जो बनाया हुआ, ये स्कीमेटिक के फुटप्रिंट्स है यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जाइए, जैसे कि पीछे वाले इसमें स्कीमेटिक में जैसे टूल्स है वैसे यहीं पे टूल्स है, यहाँ पे मूव वगैरह हमें यूज़ करना है। तो हम मूव पे क्लिक करता हूँ, हमें क्योंकि कंपोनेंट्स मूव करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ले लेता हूँ, आईसी ले लेता हूँ, तो आईसी को सेंटर में रख देता हूँ। उसके बाद में जो अपना डीसी है, डीसी को डीसी कनेक्टर जो यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर रख देता हूँ। उसके बाद में ये है थर्ड सेकंड नंबर का, तो इस यहाँ पे सेकंड नंबर का स्विच, ये है फर्स्ट ऊपर का सबसे, तो इसको कनेक्ट कर वहाँ पे रखता हूँ। मैंने कैसे किया है अभी देखिए, यहाँ पे मैंने अगर इसको सेलेक्ट किया तो ये जो पिन है, ये पिन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो ये कहाँ पे रहेगा, 13 नंबर को, मतलब ये 13 नंबर के सबसे ऊपर का है, तो सबसे ऊपर रखूँगा। उसके बाद में ये जो है, ये नीचे का सबसे नीचे का है, तो इसको बराबर मूव करके इसको भी ठीक से रख दूँगा, ठीक है, इसके बाजू में। उसके बाद में लास्ट में जो स्विच है, इसको ये रहा उसके ऊपर का, ये 12 नंबर को कनेक्टेड रहेगा। तो ये 4 स्विचेस हमारे कनेक्ट हैं, हम कैसे भी रख सकते हैं तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें जैसे रखना है। जैसे हम 1, 2 ये सबसे ऊपर रखना है, ये रखिए, ये 2, 3 नंबर का है तो यहाँ पे रखिए, ये 2 नंबर का है तो 2 को नहीं ऊपर, जैसे कि अगर सिंपलीफाई करना है आपको, सर्किट बहुत सिंपल रखना है, तो आप सिंपल ऐसे रख लीजिए, मैं इसे रखने वाला हूँ, और सिंपल और कॉम्पैक्ट हो जाएगा अगर आप ठीक से करोगे तो। उसके बाद में ये है अपना मॉड्यूल का, तो VCC ये एंटीना का कहाँ पे देखेंगे, राइट साइड में, ये एंटीना मतलब ये देखो, ये दो शॉट है, तो ये एंटीना हो गया, तो इसको सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद में बचा हुआ रजिस्टर, ये 330 ओम का रजिस्टर है, इसको इसी तरह इसी पावर के बाजू में रख लेंगे। उसके बाद में LED है, LED को भी रजिस्टर के बाजू में रखेंगे। उसके बाद में बचा हुआ 750 का रजिस्टर, वो भी यहाँ पे बाजू में रख लेंगे। तो और भी आपको कॉम्पैक्ट करना है तो आप भी और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे
और ठीक से स्विचेस को प्लेस करिए। थोड़ा टाइम लीजिए आप हार्डवेयर मतलब स्विचेस वगैरह या कंपोनेंट्स रखने के या प्लेस करने के, क्योंकि जितना आप टाइम लोगे उतना आपका सर्किट रिफाइन बनेगा और अच्छा बनेगा, मतलब आप समझ जाओगे आप कैसे आगे क्यों टाइम लेना है, और कॉम्पैक्ट भी बन जाएगा आपका सर्किट। ठीक है, अभी ऐसा सर्किट तो मेरा इतना हो चुका है, तो मुझे फिर बाद में इसका अभी इसके तो ट्रैक वगैरह कनेक्ट करना पड़ेंगे। तो ट्रैक वगैरह कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले हमें ट्रैक उसको जो भी अपना ट्रैक रहेगा उसकी वीड उसमें जो आइसोलेशन रहेगा उसका सब ये करना पड़ेगा। तो जब एडिट में जाओगे तो एडिट ऑप्शन में आपको डिज़ाइन रूल्स मिलेगा। डिज़ाइन रूल्स पे जाने के बाद में आप यहाँ पे डिज़ाइन रूल्स का एक विंडो खुलेगा। यहाँ पे देखिए लेयर्स में जाइए, लेयर्स में भी कुछ एडिट नहीं करना है, क्लियरेंस में एडिट करना है। क्लियरेंस में देखिए, क्लियरेंस मतलब क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा दिखेगा, पैड पे क्लिक करता हूँ तो दो जो भी अपने ट्रैक से वायर में देखिए, दो ट्रैक के बीच में का जो आइसोलेशन है, ये बोला था आइसोलेशन जो है ना, ये देखिए ये आइसोलेशन इसका, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 30 रखता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसमें से 30 ठीक रहेगा, क्योंकि हम जो भी यूज़ करने वाले जितने भी ट्रैक साइड यूज़ करने वाले, हम तो ज़्यादा पतला ट्रैक तो यूज़ नहीं करने वाले, इसलिए हम 30 mm जो भी उसका ये रहेगा इसका रहेंगे, और मिनिमम वीडियो जो रहेंगी वो भी 40 के आसपास कर देंगे। सिर्फ इतना ही चेंज करना है, क्लियरेंस और साइज ये दोनों ही चेंज करने हैं। उसके बाद में अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके कर दिए। ओके करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, नीचे यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको नीचे करने के बाद में आपको ऑटो रूट ढूंढना है कहाँ पे है, ऑटो रूट या आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आपको, जो भी ढूंढना है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग अलग है, जैसे नीचे देखोगे यहाँ पे भी ऑप्शंस है। हमें चाहिए ये रेडनेस, अभी इसके बाद में जो लगने वाले हो वो रेडनेस है, और ये ऑटो रूट है। ठीक है, तो अब जब आप ये देखोगे यहाँ पे कनेक्शंस कैसे भी इधर उधर कनेक्शंस है, वो कहीं पर भी कुछ भी कनेक्शन किया हुआ है, मतलब बराबर कनेक्शंस बराबर है, सिर्फ किसी के ऊपर से कुछ गया है, एक दूसरे के ऊपर से गए हुए कनेक्शन, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको रेटनेस्ट बोल के यहाँ पे ऑप्शन है, तो रेटनेस्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, तो आपको ये करना है। तो रेटनेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑटो रूट दिखेगा, तो ऑटो रूट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास अभी इस मॉड्यूल में सिर्फ दो ही लेयर्स बना सकते हो आप, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन नहीं है, स्टूडेंट वर्जन, इसलिए दो ही टॉप और बॉटम यूज़ करना है। तो टॉप में आपको यहाँ पे स्टार कनेक्ट करना है, और बॉटम यूज़ नहीं करने वाले तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और एफर्ट्स में आप हाई एफर्ट्स कर लीजिए, क्योंकि जितना आपका ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना कॉम्पैक्ट आपका सर्किट बनेगा। उसके बाद में सब ये होने के बाद में आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है, और ये पूरी प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे आके स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्टिमाइजेशन कितना है, यहाँ पे 100% और 97% है। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ 97% वाला, तो ऐसे दिखेगा। अगर मैं 100% वाला दिखाता हूँ, 100% 97 मतलब यहाँ पे कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए 90% उसका ऑप्टिमाइजेशन आया है। तो हमें क्या चाहिए, 100%। आपको जो चाहिए, आपको जैसा पसंद है वैसा आप सेलेक्ट कीजिए। ये वाला मैं अगर दूसरे वाला सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा रिफाइन दिख रहा है, तो मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूँ और इवेल्यूएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सब दिखेगा आपको, ये पूरा ट्रैक्स वगैरह 100% ऑप्टिमाइज है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम ऐसे तो प्रिंट नहीं निकाल सकते, प्रिंट निकालने के बाद में जो भी ट्रैक्स रहेंगे विचिंग वगैरह प्रोसेस, वहाँ पे आपको अगर आपको पूरी की पूरी पीसीबी इच करनी पड़ेगी, तो बहुत प्रॉब्लम मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो वो टाइम कंज्यूम
कंजम्पशन कम कम करने के लिए हम मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन में ढूंढता हूँ मैं, ये नया वर्जन है, आइए देखिए पॉलीगॉन, आपको पॉलीगॉन नाम का एक ऑप्शन ढूंढना है, ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन सेलेक्ट कर सर करके यहाँ पे ऊपर देखिए आइसोलेशन आपको सेलेक्ट करना है 32, स्पेसिंग वगैरह कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हैचिंग सॉलिड सेलेक्ट करना है यहाँ पे टर्मिनल ऑन है, बाकी ये सब ऐसे सेलेक्ट रह दीजिए। उसके बाद में उसको टॉप जो लेयर है ये लेयर सेलेक्ट करनी है टॉप, क्योंकि ये टॉप लेयर पे आने वाली है, तो उसके बाद में इसको कवर कर दीजिए, मतलब जो भी आपकी पीसीबी साइज है वो पीसीबी साइज के हिसाब से इसको कवर कर दीजिए। जैसे भी ये आपको एंडिंग को आपको ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद सिग्नल नेम देना है इसको, सिग्नल नेम क्या देंगे हम, ग्राउंड GND, ओके। तो ओके करने के बाद ये हो गया ग्राउंड, तो ये ग्राउंड कब यूज़ होगा, जब हम यहाँ पे किसी पिन को ग्राउंड का नाम देंगे, लेबल देंगे, तो यहाँ पे लेबल देने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेगा, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए नेम कुछ तो नेम नाम का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे देखिए नेम, ये नेम पे क्लिक करने के आप, ये ग्राउंड है हमारा, तो एक ग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे GND जो वहाँ पे नाम डाला हुआ है सेम नाम डालेंगे यहाँ पे ग्राउंड, और कनेक्ट ओके कर देंगे। उसके बाद में हमने ये सेव करेंगे, ये सेव करने के बाद में हम वापस अपने बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में जाने के बाद हमारा तो पॉलीगॉन हो चुका है, तो हमें और एक अभी पॉलीगॉन होने के बाद में पॉलीगॉन को नेम दिया हमने ग्राउंड, तो उसके बाद हमने अगर रेटनेस फिर से करना है, अगर रेटनेस करोगे तो जितने भी ग्राउंड्स है, ये देखिए ये ग्राउंड्स है, तो ये पूरे ग्राउंड्स ये बड़े सरफेस में आ जाएंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड बड़ा चाहिए, ग्राउंड बड़ा होना चाहिए, तभी ग्राउंड मतलब क्या है, कॉमन हमें सबसे बड़ा सरफेस होना चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा, तो ये कॉमन हो गया। तो बचेगा सिर्फ क्या, ट्रैक्स जो भी हमें ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, VCC और अपना जो सिग्नल ट्रैक्स रहेंगे वो बचेंगे, बाकी सिर्फ सब बाकी जो भी ग्राउंड रहेगा वो सिर्फ ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हमें करना है। उसके बाद में हम ऐसे तो प्रिंट नहीं ले सकते, अगर ऐसे प्रिंट लेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड वगैरह नाम आएगा, ये बीच में ऐसा प्रिंट आएगा, तो हमें क्या करना है, ये सब निकालना है। इसके निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए लेयर सेटिंग में जाना है, लेयर सेटिंग में जाके यहाँ पे रिमूव सेट, यहाँ पे क्या करना है, डीसेलेक्ट करना है, जो भी है सब डीसेलेक्ट करना है, यहाँ पे हाइड लेयर पे क्लिक करोगे तो पूरे के पूरे जो लेयर्स है वो पूरे हाइड हो जाएंगे, सिर्फ हमें चाहिए क्या, टॉप पैड्स और ये पैड्स और वॉइस, सिर्फ इतने ही चाहिए, और ओके कर दीजिए, ये सिर्फ हो जाएगा। अभी ये नाम भी निकालने है हमें, तो ये कौन सा है देखेंगे, ये वाला है, ठीक है ठीक है, इतना सफिशियंट है, इतना हो जाएगा। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। अभी इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद में यहाँ पे ऊपर आपको प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पे क्लिक कीजिए, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा प्रिंटिंग का, ये देखिए मेरे पास प्रिंट PDF है, मेरे पास ये भी है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF, आपके पास नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF रहेगा, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में सॉलिड, यहाँ पे दो सेलेक्ट करना है, सॉलिड और ब्लैक, ये दोनों ही सेलेक्ट करने, क्योंकि हमें पूरा ब्लैक चाहिए, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा कुछ अलग ये करता हूँ, ब्लैक नहीं करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा और उसकी प्रिंट अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ कंप्लीट। और यहाँ पे आउटपुट फाइल जो है वो आउटपुट फाइल बाद में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करूँगा और ओके कर दूँगा। फिर बाद में मुझे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो मैं उसी फोल्डर में सेव करूँगा जहाँ पे मैंने किया है, तो यहाँ पे प्रिंट नाम का नाम डालूँगा और सेव कर दूँगा यहाँ पे। अभी मेरे तो ये सेव हो गई है, तो कहाँ पे सेव हुई है, तो मेरे उस फाइल में सेव हो गई, ई में निगल देखिए ये प्रिंट, ये प्रिंट नाम की सेव हुई है यहाँ पे, ये सेव हो गई है, तो हमें यहाँ इसका प्रिंट लेना है,
तो प्रिंट कहाँ पे लेंगे हम, जो फोटो पेपर मिलेगा या बटर पेपर आप जो कहेंगे, वो जो फोटो पेपर रहता है वहाँ पे इसके प्रिंट लेंगे और बाद में आगे प्रोसेस रहेगी। ऐसे ही जो ऐसे हमने ये जो ट्रांसमीटर साइड बनाया है वैसे हमें रिसीवर साइड बनाना है, तो रिसीवर साइड सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये आप रिसीवर साइड का आप नेक्स्ट वीडियो रहेगा, या आप खुद से बना सकते हो। आपको मैंने ईगल कैसे यूज करना है बनाया, कैसे यूज करना है बताया, तो आप एक बार रिसीवर साइड ट्राई कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट में पूछिए, मैं बता दूंगा, या कुछ प्रॉब्लम आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, ईमेल कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप। और कुछ और नए मैं वीडियो लाने वाला हूँ फ्यूचर में, बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने को सिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स है। और ये बेसिक बहुत सारे बेसिक है, तो उसके बाद में जो भी आगे भी लेके आऊँगा उसमें कमर्शियल कैसे बनाते हैं, उसमें गर्वर फाइल्स वगैरह कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊँगा सब। तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।